जी, मेरा परिवार विश्वदा हैं, विश्वजीत जी हैं, उनकी फैमिली, हमेशा हर साल हम ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एंड यू नो सर, फिल्म अगर मैं वॉर की अगर बात करूँ, आप तो देख ही रहे हैं, फिल्म बहुत ही सक्सेस हुई है, कैसे देखते हैं आप फिल्म और आपको कैसी लगी ये फिल्म? अगर आप, मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, दोनों रितेश और टाइगर ने बहुत अच्छा काम किया है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, पिक्चर बहुत अच्छी माउंटेड है, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, जिन्होंने जाके देखिए पिक्चर और देखिए कि इंडिया में भी ऐसे हॉलीवुड टाइप की पिक्चर बन सकती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं राकेश जी और आज आए हैं। मेरे छोटा भाई हैं, दोस्त तो हैं, हमारे फैमिली रिलेशन है, रोशन फैमिली मेरे साथ 15 साल क्या जी 16 साल है जुड़े हुए हैं, और इनके मम्मी जो थी वो मुझे बड़ा बेटा बोलती थी, और मैं मेरे पूजा के साथ तो हमें इतना सहयोग मिलता है इन लोगों से, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा माता के ऊपर इन लोगों का, इनका परिवार का, सबका जो आस्था है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो उसका मैं भाषा में मैं बोल नहीं सकता। तो इसलिए ये हर साल आते हैं, जब मेक्सिको में थे तब भी उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, इस बार मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो माता के साथ जुड़े हुए, माता जी के ऊपर इनका बहुत श्रद्धा है, पूरी फैमिली का श्रद्धा है। यहाँ से हमें रोज़ भोग भेजना पड़ता है, जो भोग होता है खाना, खाना वो हर दिन उनके घर में हमें भेजना पड़ता है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर के प्रति इन लोगों का जो आकर्षण है, जो आस्था है, विश्वास है, वही। इसलिए मैं चाहता हूँ दुर्गा माँ से, आज लास्ट डे है महानवमी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोशन फैमिली को ईश्वर हमेशा सुखी रखे। और इस पूजा में इस बार मैं कुछ नहीं कर पाया, काम किया मेरी मिसेस ने, मेरी वाइफ ने, ईरा विश्वजीत ने किया, क्योंकि हम घबरा गए थे इतने, जो महाराष्ट्र में जो बारिश हुई ज़बरदस्त, उससे हम घबरा गए थे, और एक बार मंडप लगाया और सब गिर गया, क्योंकि बाम्बू सब सड़े हुए, तो उन्होंने बोला आप बैठो मैं करती हूँ सब। तो शी डिड एवरीथिंग दिस ईयर। राकेश जी, आपने कुछ खास माँ दुर्गा से मांगा? मतलब कोई वैसे तो सब कुछ मन्नत रखते हैं, मांगते हैं कि भाई सब सुख शांति में चले, हमारा नहीं सभी सभी का, सुख शांति में चलेंगे तो ही शांति होगी। जी जी। एंड यू नो सर, इसके अलावा अगर क्रिस फ्रेंचाइजी भी बहुत बड़ा है आपका, अगर आप कुछ ये बताना चाहें के लिए बात से बात करेंगे। मैम आपसे आना चाहूँगा, मेरी बेटी है जो बहुत बड़ी सहयोग है, रात को 2 बजे भी आके देखती है ठीक हुआ कि नहीं देखती है, खबर करती हूँ। सबसे पहले मीडिया को खबर करती हूँ कि आइए आप लोगों यहाँ पे, इनवाइट ज़रूरी है आप लोगों को इनविटेशन, और यहाँ पे बहुत मम्मी को हेल्प होता है मेरे रहने से, पापा तो है ही, ही नहीं, बहुत हेल्प करती हूँ, ये है हमारे साथ, ये हमारी एक और बेटी है। बहुत सुंदर पूजा है यहाँ पे, आके बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी साल से आ रहे हैं और बहुत ही माँ के पास आके अच्छा लगता है। बस वही बात है कि यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, शांत है, अच्छा है परिवार और अपनापन लगता है। बस मैं एक्चुअली बचपन से हूँ यहाँ पे, आई रिमेम्बर कि जब मैं स्कूल टाइम से होती थी, स्कूल से मैं मतलब डायरेक्टली आती थी, एंड तब से लेके अब तक इट्स बीन आई थिंक अ लॉन्ग जर्नी, 15 इयर्स। आंटी एंड दीदी हैज बीन वेरी वेरी वार्म टू ऑल ऑफ अस, एंड नाउ इज द एक्साइटमेंट ऑफ दिस दुर्गा पूजा, ये बच्चे लोग पहले दौड़ते थे अभी बैठ के देखते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक मी एंड इवन लाइक दुर्गा दी यूज्ड टू ऑलवेज चैट के अच्छा व्हिच साड़ी आर यू वेयरिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स बीन अ प्लेजर, इट्स वेरी गुड विद मी, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं ये दुर्गा पूजा में, ये दुर्गा पूजा अपने घर के जैसे मालूम होता है, और ये 4 दिन हम लोग को ऐसे बीत जाता है जैसे मालूम होता है जो कैसे ये हुई बीत गया, बहुत अच्छा लगता है ये, काफ़ी दिन से हम लोग ये एंजॉय करते हैं बहुत। Thank you.
से इस तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं सफलतापूर्वक, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती आके यहाँ पे? ये ऐसा लगता है जैसे विश्वजीत जी हमेशा हर साल से इतने प्यार से पूजा करते हैं, इतने प्यार से मंडप सजाते हैं, और मुझे हम लोग जाते हैं तो हमको यहाँ बैठ करके पूजा करवाते हैं, तो ये तो मैं भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ कि विश्वजीत जी दादा के वजह से हम लोगों को माता के दर्शन इतने अच्छे होते हैं और हमारी पूजा इतनी भक्तिपूर्ण होती है। मैं बात करना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भी सेम विचार है, सेम really है जो वी आर रियली ब्लेस्ड, कम हियर एंड डू पूजा, वेरी ब्लेस्ड विद थिंग्स। आपसे पूरा रोशन परिवार है, आज आपकी खुशी में क्या कहना चाहेंगे इस भक्ति भावना? ये रोशन परिवार अभी हमारा परिवार है, विश्वजीत जी का ही भी परिवार है, ये 15 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, ये 16 साल है, पहला दिन से हमारे साथ ये हैं, क्योंकि इनकी जो माता जी थी ईरा रोशन जी आज नहीं है, उस टाइम में वो हम मतलब जब तबीयत खराब थी तो हम उनको कुर्सी देते थे, वहाँ बैठ के माता जी का दर्शन करते थे, तो उनका भक्ति और भावना और आस्था जो है तो उसका भी प्रभाव इन लोगों पर पड़ा, और बचपन से ये लोग अभी राकेश रोशन जी अब बोल के गए हैं कि हम लोग पहले से शुरू से हम लोग दुर्गा पूजा में आते हैं, तो पूजा के ऊपर जिनका आस्था है वही आ पाते हैं, जिनका आस्था नहीं है वो नहीं आ पाते हैं, हमने बहुतों को अप्रोच किया, बहुतों को बोला, इन्वाइट किया, वो नहीं आते हैं, तो लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ये है, तो उनकी शक्ति से विश्वजीत आज भी चल रहा है, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो सब कुछ वही है, तो वो 5 दिन के लिए आती हैं माता जी और उनका पूजा हम 5 दिन में करते, आज से हमारा थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि कल दुर्गा माता का विसर्जन हो जाएगा, तो हम लोग का नवमी के दिन से ही थोड़ा दुख शुरू हो जाता है, दर्द होता है, फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, 11 महीना जी, है ना, तो ये रोशन परिवार हमारा परिवार जैसा है, आपने देखा जब फ्री होते हैं ये आते हैं, जब काम में रहते हैं तो नहीं आए, इस बार इलेक्ट्रिक फ्री था कुछ चला है अपने आप, इससे पहले भी बहुत है, मतलब तो बैंग बैंग जिस दिन रिलीज था उस दिन कोइंसिडेंट था, उस दिन फ्राइडे था, बोला अंकल आज मेरा एक फिल्म रिलीज है, तो माता जी का फूल मैंने लेके उसका जेब में रख दिया, फिल्म हिट हो गई बैंग बैंग, तो ये आस्था पूरे परिवार का आस्था है माता जी के ऊपर, ये अपने हाथ से कंचन जी खीर बना के लाई यार, मेरी वाइफ इरा को उन्होंने फ़ोन किया, ये बोला मैं अपने हाथ से माता जी के लिए खीर बनाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक शक्ति है और एक आस्था है माता जी के लिए मैं लेके जा रही हूँ, तो इसका कोई हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये समझने की बात है और महसूस करने की बात है, ये एक्सप्लेन नहीं हम कर सकते, इतना मैं बोल सकता हूँ, और हम चाहते हैं जब तक हमें माता जी शक्ति दें, जब तक हमें पूजा करने की शक्ति दें, तब तक मैं माता जी का पूजा कर पाऊँ, इतना ही मैं माता जी, और ये लोग हमारे साथ रहेंगी हैं और रहेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे कोई राजेश जी या कुछ नहीं है, ये हमारे भाई हैं राकेश रोशन, ऋतिक रोशन सर, ये हमारे अपने परिवार के हैं, वी आर वन फैमिली, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एनी सेलिब्रिटीज कमिंग शेयरिंग देयर यू नो स्पिरिचुअल फीलिंग्स ओवर हियर? फॉर मी यू नो दिस विश्वजीत दा एंड यादिस पूजा इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, every year we come, you know, the difference what I found in this puja especially, it is like very, you know, you get a very a home feeling, okay, and for us in Bengalis, you know, Ma Durga is, we don't worship like a Ma Durga, like a goddess, it's called like a Ma, your own mother is coming home, and so all of us, we come here, we celebrate a fantastic, you know, the welcome and the food, and it's really something different, and of course it's added, you know, Prima, and she's also, her name is Durga, and you know, excellent, you know, atmosphere we get, and I feel so close to my heart, so I make a point, you know, even today it's working, I'm here, and I just request all of you, you know, please visit this pandal and you will feel the difference, you know, here. Yes. And of course the married and also the non-married, please, you know, unmarried people also, please do come tomorrow for the Shidur Khala. We have a nice one. सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मी का इस पूजा में बहुत सारा मेहनत है, ये पूरा पंडाल उड़ गया था हवे में,
उन्होंने फिर से रीकंस्ट्रक्ट करवाया किसी को बुला के, एंड शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क कर रही है। और इस बार मम्मी ने टेक ओवर कर लिया है, पापा थोड़े बैक ऑफ कर गए, पर है, ही इज़ देयर, ही इज़ प्रेजेंट, विश्वजीत है, पर वाइफ इज़ मेन। आज ऑर्गेनाइज्ड बाय एवरीथिंग, भोग से लेके पंडाल से लेके आपके पूजा के मंडप के जो पंडित है सब है, एवरीथिंग मम्मी ने, मिसेज ईरा विश्वजीत चैटर्जी ने किया है, उन्होंने अरेंज करवाया, तो क्रेडिट गोज़ टू हर।